श्री राधे राधे। मुक्ति धाम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं पंडित श्रीनाथ शास्त्री ज्योतिषाचार्य आपको शारदीय नवरात्रि में 12 राशियों का किस प्रकार से 12 राशि वाले माँ भगवती का पूजन अर्चन करेंगे उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। पहली राशि मेष है और इसका जो स्वामी है वो मंगल है। ये तमोगुण प्रधान ग्रह है, इसलिए इस राशि के जितने भी जातक हैं या जातका हैं वह सभी लाल रंग के आसन पर बैठकर मां भगवती का लाल फूलों से पूजन करके, लाल कनेर के पुष्पों से, अनार के पुष्पों से, या गुलाब के फूलों से, या लाल कमल के फूलों से पूजन करते हुए लाल आसन पर बैठ करके माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती का नवारण मंत्र जप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, या भगवती का दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय या आखिरी अध्याय पाठ करेंगे और उस दिन पहले दिन मेष राशि वाले जितने भी जातक और जातका हैं लाल प्रसाद ही भगवती के सामने अर्पण करेंगे। जैसे लाल पदार्थों में, प्रसाद में लाल रसगुल्ले इत्यादि है, मालपुआ इत्यादि का प्रसाद अर्पण करेंगे और एक माला नवार्ण मंत्र की जप करके या पहले अध्याय का पाठ करके माँ भगवती के हस्त कमलों में या चरण कमलों में जप समर्पण। दूसरी राशि वृषभ है और वृषभ राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। ये रजोगुण प्रधान ग्रह है तथा इसमें वृष राशि वाले जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो सभी सफेद रंग के आसन पर बैठकर और सफेद चंदन की माला से माँ भगवती का जप करेंगे और सफेद फूलों से, जैसे चंपा का फूल है, चमेली का फूल है, सफेद फूलों से अर्पण करके, पूजन करके और सफेद प्रसाद बर्फी इत्यादि का और नहीं तो खीर का। वैसे शारदीय नवरात्रि में आश्विन मास में माँ भगवती का पूरे आश्विन मास में खीर का प्रसाद भगवती के लिए बहुत प्रिय है। जो कुछ भी न कर सकते हों वो केवल माँ भगवती के सामने खीर का प्रसाद अर्पण करें तो उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संपूर्ण कार्य उनके सिद्ध होते हैं। तीसरी राशि मिथुन है। इसका जो स्वामी है, इसका जो गुरु है वो बुद्ध है। वैसे तो बुद्ध को यह कहा गया है कि बुद्ध सदा शुद्ध, ये सौम्य ग्रह है, फिर भी इसके या इसके साधक मिथुन वाले कोई भी स्त्री पुरुष हो हरे रंग के आसन पर बैठकर हरे फल एवं हरा प्रसाद माँ भगवती के चरणों में अर्पण करते हुए दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का और नहीं तो पहले अध्याय का या 13वें अध्याय का पाठ करते हुए
माँ भगवती के चरणों में जप इत्यादि को समर्पण करें। चौथी जो राशि है वो है कर्क, और इस कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। ये चंद्रमा सतो गुण प्रभाव से युक्त है। इस दिन साधक सफेद रंग की जितने भी पदार्थ हैं, खीर इत्यादि, बर्फी वगैरह, दही, ये सब मां भगवती के चरणों में अर्पण करेंगे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे का जप करते हुए नवारण मंत्र का, या ओम दुम दुर्गायै नमः का जप करते हुए, या ओम श्री दुर्गायै नमः का जप करते हुए माँ भगवती के चरणों में संपूर्ण फल अर्पण करें। पांचवी जो राशि है वो सिंह है। इसका स्वामी सूर्य है। ये भी सतोगुण प्रधान युक्त ग्रह है। ग्रहों का अधिपति है सूर्य, इसलिए इस दिन साधक लाल रंग के आसन पर बैठकर, चाहे वो ऊनी आसन हो या लाल रंग का कोई भी आसन हो, उस पर बैठ के और लाल चंदन की माला से या लाल मूंगा की माला से भगवती का जप करेंगे। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्यायों का या चौथे अध्याय का पाठ करते हुए माँ भगवती को नमस्कार इत्यादि करें। छठवीं जो राशि है वो है कन्या। कन्या का स्वामी भी बुध है, और इस राशि वाले, जैसा कि मैंने अभी आपको मिथुन राशि वालों को बताया था, उसी तरह कन्या राशि वाले भी हरे रंग के आसन पर बैठकर हरे फूलों से, कदम इत्यादि के फूलों से माँ भगवती का अर्चन पूजन, या हरे पत्तों से, बेलपत्र इत्यादि से पूजन करके माँ भगवती का जप करते हुए, और दूर्वा के अंकुर माँ भगवती के चरणों में अर्पण करते हुए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करके जप को माँ के चरणों में अर्पण। सातवीं जो राशि है वह है तुला। इसका स्वामी भी शुक्र है, रजोगुण प्रधान युक्त ग्रह। इसमें संपूर्ण पूजन सफेद वस्तुओं से होगा। यहां तक कि सफेद जो अमीर आता है, सफेद अमीर से भी भगवति का पूजन, सफेद कुमकुम भी आता है उससे भी पूजन करके, और सफेद रंग के आसन पर बैठ के खीर, सफेद बर्फी इत्यादि का, दही बूरे का प्रसाद अर्पण करके माँ भगवती से अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को निवेदन करेंगे, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण। उसके पश्चात जो राशि आती है वह है वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी मंगल है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले मेष राशि में बताया था, इसमें भी मूंगा के या लाल रंग के आसन पर बैठकर लाल मूंगा की माला से या लाल चंदन की माला से भगवति का पूजन अर्चन करते हुए, लाल मिठाई का प्रसाद रखते हुए, लाल फलों का प्रसाद रख के दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्यायों का पाठ करते हुए, नहीं तो तीसरा, चौथा, नौवां या बारहवें अध्याय का या सातवें अध्याय का पाठ करते हुए माँ भगवती से अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्रकट करें। नौवीं राशि धनु है। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति है। ये सतो गुण प्रधान युक्त ग्रह हैं। धनु राशि के जितने भी स्त्री पुरुष
साधक साधिका जातक जातिका हैं वो पीले रंग के आसन पर बैठकर पीले फूलों की माला से और पीले चंदन की माला से भगवति का पूजन अर्पण करेंगे। गेंदा इत्यादि के पीले फूल, पीला प्रसाद, पीली बर्फी या खीर, खीर में केसर इत्यादि डालकर माँ भगवती को प्रसाद अर्पण करते हुए नाभ्या आसीदंतर छक्कुम शिष्णोर्धवु संवर्तत पदव्यामुहूर्तशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन्। यदि इस मंत्र का उच्चारण न कर सकते हो तो प्रसादम समर्पया। इस मंत्र को बोलते हुए माँ भगवती का पीले ही वस्त्रों से, पीले पुष्पों से श्रृंगार करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं नवान मंत्र का जप करें। दसवीं जो राशि है वह है मकर। मकर का स्वामी शनि है, ये तमोगुण प्रधान ग्रह है। तो मकर और कुंभ इन दोनों का स्वामी, दसवीं और ग्यारहवीं जो राशि है इन दोनों का स्वामी शनि है। इसमें नीले रंग के आसन पर बैठकर या काले रंग के आसन पर बैठकर नीले या काले पुष्पों से भगवति का पूजन इत्यादि करेंगे और काले चंदन की माला से नवारण मंत्र का जप करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए और काला ही प्रसाद, काली मिठाई जैसे काले रसगुल्ले इत्यादि ये माँ भगवती के चरणों में प्रसाद श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्पण करें। बारहवीं जो राशि है, बारहवीं राशि मीन है। धनु राशि की तरह इसके भी जो स्वामी गुरु है भगवान बृहस्पति हैं, ये सतोगुण प्रधान युक्त ग्रह हैं। इसलिए इस राशि के जातक और जातिका, साधक साधकाएं, स्त्री पुरुष पीले रंग का वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठकर पीले उपचारों से, पीले फूलों से पीत वस्त्र भगवती को धारण करा के पीला ही प्रसाद अर्पण करके माँ भगवती की आराधना उपासना करें। इसके साथ साथ भगवती नवरात्रि का और बारह राशियों का ये पूजन का क्रम आपके लिए वर्णन किया। बोलिए सच्चे दरबार की जय।